आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं जिनका सीधा सरोकार आम जन से होता है और उसमें आप खुद जुड़ सकते हैं। अपने सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं वो सवाल आप कर सकते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे आप सीधी बात कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मेहमानों की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं वो आपको कितना माकूल लगते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आज हम सवाल आपका में ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध जो है युवाओं से है, उनके रोजगार से है। आप सब जानते हैं कि 15 जनवरी 2022 को हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून लागू होना है, लेकिन कानून के अमल में आने से पहले ही मामला अदालत पहुंच गया है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने इसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कानून पर तलवार लटक गई है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के मुताबिक लोगों का चयन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर रहे हैं। अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे, यह सवाल किया उन्होंने। हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है, यह भी उन्होंने कहा है। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। याची ने कहा कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने की कोशिश है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा होगी और उद्योग पलायन कर सकते हैं, ये याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हुए कहा है। हालांकि 15 जनवरी 2022 से इस कानून को अमली जामा जो पहनाया गया उसकी शुरुआत होनी है, ये अमल में आ जाएगा, पर उससे पहले ये मामला अब कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करेगा और अगर कोर्ट की सुनवाई जो है वो जल्द हो जाती है और इस पूरे मामले को लेकर प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है तो कुछ सवाल भी पैदा होंगे और इस कानून को लेकर भी कुछ सवाल हैं। 75% आरक्षण पर क्या तलवार लटक जाएगी? निजी क्षेत्र पर आरक्षण की मार पड़ेगी क्या? उद्योग पलायन करने को मजबूर होंगे, ये सवाल है। ऐसा सवाल किया भी गया है और सरकार क्या इस फैसले पर फिर से विचार करेगी, इन सवालों को लेकर तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप भी इस मसले पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है इसका ताल्लुक आपसे है, रोजगार से है, युवाओं से है और युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मसला होता है। और इस प्रकरण को लेकर, इस मसले को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनमें से जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय गुलिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में, सवाल आपका में। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन जब तक वो मेरे साथ जुड़ते नहीं तब तक मैं अजय गुलिया जी आपसे बात करूंगा। गुलिया साहब, सरकार जो निजी क्षेत्र में आरक्षण का एक फॉर्मूला लेकर आती है उसमें कई सारी पेचीदगियाँ होती हैं, उनको धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद अब 15 जनवरी 2022 से कानून प्रदेश में पूरी तौर पर लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मामला कोर्ट में चला गया है और उसमें जो पॉइंट गिनाए गए हैं उनमें यही एक निजी क्षेत्र पर सीधा हमला है योग्यता पर, जिसको लेकर हम ये चाहते हैं कि इस कानून को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई करे और वो सुनवाई जल्द करेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कहेंगे?
जी देखिए शमशेर भाई, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के युवाओं को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जो वादा करके दुष्यंत चौटाला जी लोगों के बीच में आए थे, लोगों ने हमें सीट देने का काम कराया था, वो वादा हम लोगों ने पूरा कर दिया। और रही बात ये, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इससे पहले और स्टेट्स में भी लागू है, और अगर कुछ भी बात होती है, अगर कुछ भी कोई नई चीज आती है या होती है तो उसके ऊपर कोई उसके पक्ष में होता है, कोई उसके विरोध में होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कानून को ऐसे ही लागू कर दिया गया, पहले लोगों से बात करके बहुत सारे उद्योगपतियों को साथ लेकर के उनसे चर्चा करके इसके अंदर जो पहले कानून बना रहे थे उसमें कुछ बदलाव भी उनके अनुरूप किए गए। तो ये सलाह मशवरा चर्चा करके बनाया गया कानून है, कोई किसी पे थोपा गया कानून नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि कोई भी नई चीज अगर आती है तो 100% उससे आप ये ना मान करके चले कि 100% लोग उससे सहमत होंगे। कुछ लोग उसके पक्ष में भी होंगे, कुछ लोग उसके विरोध में भी होंगे। उनसे भी चर्चा करके इसको इस प्रकार से किया जाएगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। ये तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका हक दिलाने का काम करेगा। आप इस बात को समझे, मैं आपकी बात बताता हूँ, हमने एक रोजगार मेला लगाया, उसके अंदर गुड़गांव से भी और बड़ी बड़ी कंपनियां झज्जर से भी आई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि हरियाणा के बच्चों में पोटेंशियल है, कॉन्फिडेंस आ गया कि उनका एक अधिकार है रोजगार के अंदर। तो वहाँ पर हरियाणा के बच्चों को नौकरियां मिलने का काम हुआ। आज झज्जर जिले की बात मैं बताता हूँ, कहेंगे तो मैं आपको न्यूज लिंक भी भेज दूंगा। तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हमारा सरकार ने हमारा अधिकार हमारा हक हमें देने का काम किया है। तो उसी प्रकार से आज हरियाणा के बच्चे इससे लाभ लेंगे। ठीक है, मैं एक चीज कहता हूँ, जो आज विरोधी इस पर कह रहे हैं वो लोग थे, ये लोग थे जो कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये कानून बन ही नहीं सकता। अब ये कानून बन गया तो नहीं है, वैसा नहीं है। इन लोगों को तो इनका काम है कहना, ये सिर्फ विरोध करने के नाम ठीक है करते हैं। अजय गुलिया जी मेरे साथ अभी गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मेजर केसी संदल हैं, जो उपाध्यक्ष हैं जीआईए के, वो जुड़ चुके हैं। आपने जो बातें कही मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो ये याचिका दाखिल की है उसमें आप लोगों को आपत्तियाँ क्या हैं। इसमें गुलिया साहब एक बात कर रहे हैं कि संदल साहब पहले तो बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं सवाल आपका में, और जिन लोगों को इस मसले को लेकर बात रखनी है तो वो भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। संदल साहब ये बात आपसे पूछूँ मैं, गुलिया साहब तो एक बात करें, हरियाणा के युवाओं का अधिकार था, हमने अधिकार नहीं दिया, इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी? मैं आपको बड़े सम्मान से कहता हूं कि जो आपत्ति हमें शुरू से ही थी, कोई भी जो इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, मेरी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है मगर मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमें हर एक बात जो है, छोटे से छोटा जो मुलाजिम है, बड़ा सोच समझ के देखना चाहिए रखते हैं, और वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। हरियाणा के लोग जो है वो, मैं नहीं कहता कि इनमें कोई चीज की कमी है, मगर ये जो इंडस्ट्री में है ये बड़ी बड़ी संतुलित और बड़े डिसिप्लिन का काम होता है। यहाँ जो बड़े लोग हैं वो इस काम के काबिल नहीं है, छोटे मोटे काम के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हुए, सीमेंट हुआ, फलाना हुआ, बड़े अच्छे काम करते हैं, मगर इंडस्ट्री में खास काम के लिए बड़ी मुश्किल से वही आदमी रखा जाता है, एक काम के लिए दो भी नहीं रखे जाते हैं। इसलिए वो उसका मेंटल स्ट्रेचर उसकी तरफ होना चाहिए, और उसके बिना इंडस्ट्री का काम नहीं चल सकता। और इंडस्ट्री को जिस दिन से ये कानून आया है, कानून से पहले भी हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि 75% यहाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन और लेकिन अजय गुलिया एक बात कर रहे हैं संदल साहब कि हमने तो सभी लोगों से राय मशवरा करके सहमति करके ऐसा किया, उसमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि आपत्ति हो, ऐसा सहमति तो किसी की एक साथ सबकी हो ही नहीं सकती 100% लोगों की। नहीं, जो चीज गलत है वो गलत है, हमें तो बड़े सिलेक्ट करके लड़के रखते हैं, सिलेक्ट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हो, बिहार का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अगर इंडस्ट्री हमारी चल रही है, इंडस्ट्री उसको चलाने का मतलब होता है, हमें उसी गुणवत्ता चाहिए। जो इंडस्ट्री में लड़के हैं, हर एक का एक बड़ा निर्धारित काम होता है, वही कर सकता है, दूसरा उसका नहीं कर सकता। इसलिए उसको सिखाना, उसको ये इंडस्ट्री के बस की बात नहीं है। पहले तो अगर इससे चाहिए तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है,
वहां से ग्रेजुएशन करें, वहां पढ़े, वो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट से जो लड़के आएंगे उनको हम हाथों हाथ रख लेंगे। सीधे लड़के आने से अगर लाइन लगाते हैं तो उनको किसी के लिए रखना बहुत मुश्किल है। और फिर गवर्नमेंट के अंदर कानून होगा, हर हफ्ते हर महीने कोई इंस्पेक्टर आएगा, बोलो जी कौन कौन से रखे कौन कौन से नहीं रखे, अगर रखे भी है किसी कोई हमें पसंद रही है उसको कहें बच्चों कल से नहीं आना, वो फिर वही इंस्पेक्टर के पास चले जाएंगे कि मैं तो हरियाणा का हूँ मुझे इससे निकाल दिया। ठीक है, केसी संदल साहब आपके पास आऊंगा और इस फैसले से क्या उद्योगों पर असर पड़ेगा इसको लेकर बात करूंगा, लेकिन इस बीच मेरे साथ रणवीर एक दर्शक है रोहतक से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए शमशेर जी ये कानून लेकर आए हैं युवाओं के लिए कुछ रोजगार देने वाला है, लेकिन हमारा मानना है कि इंडस्ट्रीज मालिकों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, ये कानून पूरी तरह से लागू हो नहीं पाएगा। दूसरा शमशेर जी मैं अजय गुलिया से पूछना चाहता हूँ, आप लोग विकास का ढंडोरा पीटते हैं, मेरा गांव खेड़ी साद है रोहतक के से 8 किलोमीटर की दूरी पर, मैं आपको एक ऑडियो क्लिक भेज दूंगा, आप उसको देखकर शायद इतने शर्मिंदे होंगे कि हमारे रोहतक जिले में भी ये हाल है, 7.5 साल में आपकी सरकार पानी तक पीने का नहीं दे पाई, जो कि नीचे से पानी का पाइप है ऊपर से गंदा नाला है, उसी के अंदर कनेक्शन है और उसी का पानी आज पी रहे हैं और छठे दिन पानी गांव में आता है, ये हमारे विकास हो रहे हैं तो आप बोलिए क्या विकास है, या खाली एड देने में या एडवर्टाइज लगाने देने में लगे हुए हैं आप लोग। ठीक है, मुझे आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको चलिए मैं संपर्क करा देता हूँ। गुलिया साहब एक खेड़ी साध का मसला सामने आया है, रणवीर रोहतक से दर्शक है, नियमित तौर पर अपनी बात रखते हैं, इसको लेकर भी जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि सरकार को झुकना पड़ेगा उद्योगपतियों के सामने, और केसी जी कुछ बात रख भी रहे हैं कि उसमें परेशानियां क्या आ सकती हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो देखिए मैं दर्शक इनका स्वागत करता हूं, कोई कमी अगर कोई कहीं है तो कहीं कोताही है तो उसको बताना चाहिए और सरकार को उसको दूर करना चाहिए। जी मैं इनसे एक चीज कहना चाहती हूँ, बड़ी ढिंडोरे की बात कर रहे हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, रणवीर जी ये बता दें कि इन कानूनों ये जो कानून आ रहा है इसमें कमी क्या, इससे नुकसान क्या होगा, ये बता दें। इससे पहले उत्तराखंड में ये लागू है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कहीं जगह, मैं तो और इससे बड़ी बात करता हूँ, पूरे यूरोपीय देशों में भी ये कानून लागू है कि वहां के देश के नागरिक को पहले नौकरी मिलेगी, उसके बाद अगर कोई बहुत एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होता तो वो दूसरे देश से या दूसरी स्टेट से उसको लाने के लिए परमिशन लेकर के आते हैं। इनको शायद जानकारी नहीं है, ये तो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। ये तो बता दें, ये तो बता दें कि इस कानून से नुकसान क्या होगा। लेकिन लेकिन जो बात कर रहे हैं खुद संदल जी बात कर रहे हैं कि हमें तो ऐसे लोग भी चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, बहुत ज्यादा टेक्निकली बहुत ज्यादा कुशल ना हो, ऐसे लोगों से बहुत से काम कराने पड़ते हैं और ऐसे लोगों को भाई एक्सट्रीम केसेस में परमिशन दी जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में परमिशन दी जाएगी। देखिए आज एक हरियाणा के बच्चों को उनका अधिकार मिल रहा है, लेकिन हम तो इंडस्ट्रीज वालों के पक्ष धर हैं, अगर कोई इनको दिक्कत आती है, कोई इस प्रकार का स्किल्ड लेबर इनको चाहिएगी तो ये अधिकार है, ये परमिशन ले सकते हैं उसकी, लगाए उसको। इनको तो प्रॉब्लम एक है ना कि इनको डिटेल देनी पड़ेगी, जानकारी सरकार के साथ साझा करनी पड़ेगी, वो अधिकार सरकार होना भी चाहिए सरकार के पास, कौन कहां नौकरी कर रहा है, कितने कहां के लोग नौकरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें सरकार के पास होनी चाहिए। आज अगर किसी को आपत्ति है तो मैं कहता हूँ उनके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कीटाणु है जो ये बात कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका रोजगार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, जब दूसरी स्टेट में हो सकता है, दूसरे देशों में हो सकता है, तो हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? आज एक 33 साल का युवा नौजवान हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसकी ये सोच है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए, उनको हरियाणा प्रदेश के। ठीक है गुलिया साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इस अधिकार से कुछ आपत्तियां क्या हैं? आ रहा हूँ अजय गुलिया जी, आपके पास लौट रहा हूँ मैं, एक केसी संदल जी से इस बात का जवाब लूंगा कि आपका कहना है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उस बीच एक दर्शक मेरे साथ हैं, राजन यमुनानगर से। राजन जी स्वागत है आपका, कहिए सर। शमशेर
चैनल जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर ऐसा है इसके ना दो पहलू हैं इस चीज के। एक तो जो बंदा व्यापारी है वो व्यापारी बंदा अपना फायदा देखता है कि मेरे को बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, उसने अपना व्यवसाय स्थापित किया है। सेकेंडली जी हरियाणा का जो हरियाणा के अंदर इनकी इंडस्ट्री स्थापित हुई है, हरियाणा का बंदा भी वहां जाता है कि मैं वहां लगूं। लेकिन यदि वहां पे जितना गुलिया साहब कह रहे थे कि यदि अवेलेबिलिटी नहीं है जिस टाइप का उनको बंदा चाहिए तो वो किसी भी स्टेट का फिर वहां जाए इनको छूट दी जाए। 25% व्यक्ति केवल छोड़ना ये एक थोड़ा व्यापारी के लिए गलत भी लगता है, लेकिन एक बंदा जो व्यापार कर रहा है उसने अपनी इंडस्ट्री स्थापित करी है वो बेनिफिट के लिए ही तो खोल दिया है। ठीक है, शुक्रिया राजन अपनी बात रखने के लिए। और दर्शक मेरे साथ है अरुण कुमार रोहतक से है। अरुण जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर बात ये है जी, ये वैसे तो देखो जी फैसला तो ये है बहुत सही अगर देखा जाए तो, उससे है क्या जी जैसे हरियाणा के लड़के मान लो भाई लड़के लड़कियां भाई वो जैसे उनको बाहर जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं, मान लो दिल्ली जा रहे हैं या दूसरे राज्य में, वहाँ उनको काफी जो है ना वो कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब उसमें है क्या कि भाई हरियाणा का बच्चा अगर रह जाएगा बाहर किसी राज्य में भाई वहाँ के राज्य के लोगों को ले रहे हैं तो फिर हरियाणा का कहाँ जाएगा कोई लड़का है कोई लड़की है रोजगार के लिए। तो वो एक नज़र से देखा जाए तो जी ठीक बात है, लेकिन एक बात ये भी नहीं समझ में आनी चाहिए जी कि जैसे भाई यहाँ के लड़कियाँ भी सरकार ने रोजगार मेले लगाए जी बहुत सारे पिछले दिनों लगे लॉकडाउन से पहले बहुत लगे जी मेले, लेकिन उसके बाद वो अब वो भी बंद है। वो चलो ठीक है लॉकडाउन जैसा भाई कोरोना वाली बात है जो वो समझ में आती है, लेकिन उसमें कितने लड़कों और कितनी लड़कियों को रोजगार दिया किसी बड़ी कंपनी ने आके, वो बात भी चीज बहुत ज्यादा ही सामने आई नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने ये भी शिकायत करी है कि भाई हमारे कागज तो ले लिए बाद में नौकरी के नाम पर कुछ है नहीं, तनख्वाह बहुत थोड़ी बता रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अरुण अपनी बात आपने रखी। मैं जेजेपी के प्रवक्ता गुलिया साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं केसी संदल जी से आपसे बात करूंगा कि हरियाणा के युवाओं को लेकर बात उठी है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। और गुलिया साहब ने कई बातें बताई कि बहुत से देशों में ऐसे नियम है कि उन्हीं के देश के जो प्रदेश है उनके लोगों को काम मिलना चाहिए, पर ऐसे में आप लोगों को कई सारी आपत्तियां हैं, कई सारी परेशानियां, वो परेशानियां क्या वो जरा बताएंगे, और प्रदेश के युवा नौकरी के लिए कहा जाएंगे जरा इसको लेकर भी आप थोड़ा सा बात करें। मेरी परेशानी ये है कि यहाँ गुड़गांव में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनसे गवर्नमेंट को चाहिए पहले इंस्टीट्यूट अपडेट करें, उसमें 100% युवा निकालें, उधर 7-2 साल की जो ट्रेनिंग है उधर ट्रेनिंग दें, इंडस्ट्री उन युवाओं को हाथों हाथ लेगी। ये जो शॉर्टकट मेथड है इससे ना युवा का भला हो सकता है ना इंडस्ट्री का भला हो सकता है। पहले इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट छोटे मोटे हैं और उनको पूरी तरह स्थापित करें ताकि जो उनसे युवा निकले एकदम नौकरी मिले उनको जाके। इसलिए इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री का पहला मतलब होता है कि इंडस्ट्री किसी तरह चल पड़े, वो बड़े बड़े तरीके से लोग उसके जो काम करने वाले होते लेकिन हैं। लेकिन स्टार्टअप को तो इस नियम में थोड़ी राहत दी गई है, इसको लेकर संदल साहब स्टार्टअप्स जो कंपनियां उनको थोड़ी राहत दी गई है, जो छोटी कंपनियां हैं शुरुआत करने वाली कंपनियां उनको थोड़ी राहत दी गई है, ये बात इस कानून के तहत आती है, उनके ऊपर इस प्रकार का नियम जो कड़ाई से लागू नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, जो बड़ी इंडस्ट्री है उनका तो और गड़बड़ होती है, इनके बहुत बड़े होते हैं, हम तो घूम घाम के अपना काम करवा लेते हैं, वो तो जाते ही नहीं है। इससे स्टार्टअप तो क्या फर्क पड़ेगा, जो नई शुरुआत करना चाहते हैं लोग हरियाणा प्रदेश में उद्योग लगाने वाला जो लोग हैं, हाँ जी, उन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या इस कानून से? ये पड़ेगा वो सूटेबल आदमी नहीं मिलेंगे, 75% वो आ गए, वो आएंगे नहीं यहाँ। पहले तो इंडस्ट्री जो भी लिखता है वो बड़े फूक फूक के लगाता है कि यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, गवर्नमेंट कैसे है, लोग कैसे है, पानी आता कि नहीं आता, व्यवस्था कैसी है, कानून कैसे है, सौ चीजें वो देखता है तब इंडस्ट्री लगाता है। इंडस्ट्री ऐसे आके नहीं लगती, इसलिए वो पहले उसमें अनाकानी करेगा हरियाणा में आने के लिए। ठीक है, ये अल्टीमेटली, हाँ जी, अल्टीमेटली नुकसान ही होगा, इससे फायदा कोई नहीं है।
हम हरियाणा के वासी हैं, हरियाणा के लिए हैं, सब चीज हमारा समर्पित है हरियाणा को, मगर ये जो काम है ये बड़ा शॉर्टकट मेथड है, ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, एक दर्शक है मेरे साथ अजय गुलेज, आपके पास आने से पहले उनका सवाल ले लेते हैं। एक के गिरी है लुधियाना से, गिरी साहब स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अच्छा, मैं गुलेरिया साहब से, गुलेरिया जी, गुलेरिया साहब बात करनी थी। जी बोलिए सर। मैं गुलेरिया साहब कह रहा हूँ, जो अगर हरियाणा के लोग काम करेंगे तो वह क्या है, उसका लेबर का रेट बढ़ जाएगा, वो मनमानी करेंगे, फैक्ट्री वाले को काम चलने नहीं देंगे। अगर गुलेरिया साहब का इतना ही इस बात का है जो हरियाणा में 75% काम हरियाणा के लोग को मिले, तो जो हरियाणा में उत्पादन होगा उसका 75% जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा के लोग खपत करे, दूसरे राज्य के लोग नहीं लेगा। अगर हरियाणा में जो 75% काम करे था उसका प्रोडक्शन भी है, जो उत्पादन होगा उसका 75% खर्चा जो परचेज है वो हरियाणा के लोग करेगा। इस तरह से इंडस्ट्री वाले को प्रेशर करना हुआ, दबाव में डालना हो गया, जबकि ये गलत है, क्योंकि भारत में इंडस्ट्री ऐसे मजबूत स्थिति में चल रही है, स्थिति ठीक नहीं है। चाइना के टक्कर देने के लिए जैसे इस प्रकार के गुलेरिया साहब का नीति बना रहा है, वो इंडस्ट्री के खिलाफ बना रहा है, मेरे ख्याल से हम चाइना आज हमसे आगे पहुंच रहा है और हम आज पीछे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह नीति गलत है और इसको सरकार को कैंसिल करनी चाहिए जनता को हित को देख के। चलिए, बहुत शुक्रिया एके गिरी जी, इस चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ। अजय गुलिया जी, बात दो अहम बातें हैं, एक तो जो केसी संदल जी ने कही है कि इससे स्टार्टअप यहाँ पर निवेश करने से डरेगा या बचेगा, और दूसरा जो एक दर्शक बात कर रहे थे कि उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका खपत भी हरियाणा में ही होना चाहिए। देखिए, ये तो उन्होंने फिजिबल बात नहीं करी, और दूसरी बात में फिर वो चाइना का उदाहरण दे रहे थे, उनको पता नहीं शायद कि चाइना में किस प्रकार का मॉडल है। वहां तो स्वयं के खुद के प्रांतों को नौकरी देने के इतने कड़े प्रावधान है कि वो तो दूसरे प्रांत में जाकर के काम करने और नौकरी करने के भी अलग से कितने कड़े नियम और कायदे हैं वहां पर, तो इनको शायद जानकारी नहीं है कि वो लोग तो अपनी स्वयं के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट, वो जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से यूज करते हैं वो तो ये लोग भी नहीं करते हैं। चाइना की तो नीतियां अलग है, मैं उनका उन नीतियों का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी दर्शक जो मुझसे कह रहे थे, इनसे पूछे ये कौन सी स्टेट से आते हैं, हरियाणा से पहले दूसरी स्टेट्स में था, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड में लागू है, तमिलनाडु में लागू है, तेलंगाना में लागू है, क्या उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं गई है, क्या उत्तराखंड बहुत डेवलप्ड इंडस्ट्रीज के मामले में आज हो नहीं गया, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इसी प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने का काम करेगा। एक साथी ने रोजगार मिले की बात करी थी, मैं उस साथी को जवाब देना चाहता हूँ वरुण भाई को, कि आज 25 तारीख को झज्जर जिले के अंदर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, मैं कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ के टीवी चैनल पे दूंगा नहीं, लगभग 200 बच्चों को आज रोजगार मिलने का काम उस रोजगार मेले के तहत हुआ। मैं तो एक चीज कहता हूँ, सारे समाज से भी आगे आए, इस प्रकार से कंपनियों के साथ टाई अप करके रोजगार मेले लगाए कि 200 का जो आज आंकड़ा था वो 2000 भी होगा, 20,000 भी होगा, 2,00,000 भी होगा। देखिए, हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। आज ये इंडस्ट्रीज के लोग कह रहे हैं हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, आप बैठ करके देखिए, बातचीत से हर बात का हल होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सामने लेकर के साथ में बैठा करके कानून बनाने का काम किया है, फिर भी कोई कोर कसर कोई आपत्ति अगर आपको है तो आप अक्रॉस द टेबल आकर के बैठ के बातचीत के जरिए रास्ता निकलना चाहिए, आपकी आपत्तियों को दूर करने का काम सरकार करेगी। सरकार एडमेंट नहीं है, सरकार किसी के विरोध में नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। आज एक डायनेमिक युवा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके आप देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ शमशेर भाई, किसानों के खाते में सीधे पैसे गए, सबने हो अल्लाह मचाया, गलत है, ऐसा होगा वैसा होगा, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, अब कांग्रेस शासित प्रदेशों में राजस्थान के अंदर पंजाब ने कहा क्या हम इसको लागू कर सकते हैं, क्यों, इसमें क्या आपत्ति है अगर किसान को सीधा पैसा मिलता है, इसमें क्या आपत्ति है अगर रिफॉर्म्स नए आ रहे हैं किसान के लिए, ठीक है, क्या आपत्ति है इसमें कि इंडस्ट्रीज में। चलिए गुलिया साहब, रुकूंगा आपको, बहुत इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया, और केसी संदल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में जुड़े, आपने अपनी आपत्तियां बताई क्या क्या आपत्ति है, और गुलिया जी ने बताया कि इसका फायदा क्या होने वाला है, दोनों पक्षों की बात जानना बेहद जरूरी था। GIA का ये कहना है कि इससे निवेश को लेकर दिक्कतें आएंगे, स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर आने से कतराएंगे, और जो हमें लेबर चाहिए, जो काम करने वाले लोग चाहिए, उनको उस गुणवत्ता के लिहाज से, योग्यता के लिहाज से हमें हरियाणा के लोगों को हायर करना मुश्किल हो जाएगा।
दूसरी तरफ अजय गुलिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता इंडस्ट्री की होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात निकलकर सामने आई कि दोनों पक्षों को बैठकर अगर कोई आपत्तियां हैं तो उनको दूर कर लेना चाहिए और निवेश भी हरियाणा में बढ़े, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिले और जो जो कमियां कहीं पर, खामियां कहीं पर रह जाती हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए। अगर इसी तरह से कानूनी पचड़े में इस प्रकार के जो कानून आते हैं पढ़ते रहेंगे तो फिर जो काम होना है वो भी नहीं हो पाएगा और जो प्लानिंग हम करना चाहते हैं प्रदेश के विकास के लिए उस प्लानिंग पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।